नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आने वाले प्रखंड सिंघिया और पंचायत बंगरट्टा के तहत आने वाले गांव सुम्भा डेवड़ी में। यहां पे जो आप सामने सुंदर अद्भुत मंदिर देख पा रहे हैं, इसमें बाबा भोले और राधा कृष्णा निवास करते हैं। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको भूत से लेकर के वर्तमान समय तक का जो है अनुभूति करवाते हैं। दोस्तों, यह मंदिर जैसा कि हमने बताया आपको 200 साल पुराना है और इस मंदिर का निर्माण स्थानीय निवासी आदरणीय गजेंद्र बाबूजी ने करवाया था। हालांकि उनका परिवार वर्तमान समय में यहाँ पे मौजूद नहीं है। पहले यह मंदिर काफ़ी जर्जित अवस्था में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ के जो महंत हैं, पुजारी है, संचालक है गोपाल दास जी, उनके संरक्षण में मंदिर काफ़ी साफ सुथरा और सुंदरमय दिख रहा है। आप सामने जो ऊपर महे गुंबद देख पा रहे हैं, इसके ऊपर एक समय था कि पीपल के पेड़ उगाए थे, प्लास्टर खत्म हो जा रहे थे, तो उसका भी मरम्मत करवाया गया है, प्लास्टर करवाया गया है और उस पर रंग चढ़ना अभी बाकी है। अभी हम मंदिर के चौखट पे पहुंच चुके हैं और यह जगह अपने आप में अनोखा है। समय समय पर यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पे बिजली का भी कनेक्शन दिया हुआ है। सुबह 4 बजे से आरती का भी कार्यक्रम होता है। चलिए पहले बाबा भोले का दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एक माता जी हैं जो अंदर में जाप कर रही हैं और हम ऐसे वक्त में आए हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं नाला टाइप, ये बाबा भोले के जब जल चढ़ाए जाते हैं उसका जो जल है इसी में आता है और धीरे धीरे मिट्टी में समाहित हो जाता है। यहाँ से कोई लिंक नाला कहीं नहीं जाता है और ये अद्भुत है, कितना भी पानी चला जाए ये भरता नहीं है। चलिए बाबा भोले का आपने दर्शन कर लिया। सामने शिवलिंग है और बाजू में कई सारे भगवानों के प्रतिमा स्थापित हैं और लेफ्ट साइड में एक माता बैठी हुई हैं जो भगवान के जाप कर रही हैं। चलिए इस मंदिर के बाहर निकलते हैं, अब आपको राधे कृष्णा से दर्शन करवाते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं गोपाल जी दास, वह शुरू से ही भक्ति के क्षेत्र में थे और इन्होंने इस्कॉन में लगभग 5 साल समय बिताया और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की और यहाँ पे आए। जब वे यहाँ पे आए उस समय इस मंदिर की दशा काफ़ी दयनीय थी। आप सामने देख पा रहे हैं, इस वक्त हम लोग राधे कृष्णा का दर्शन कर पा रहे हैं और जब हम यहाँ पे आए थे तो इस द्वार को बंद कर दिया गया था क्योंकि समय के हिसाब से खोला जाता है। वीडियो के लास्ट में यहाँ के जो संचालक हैं गोपाल जी दास, वह अपनी राय रखेंगे, फिर आप यहाँ के बारे में जान पाएंगे कि यह मंदिर कब कब खुलता है, कितने समय के बाद बंद होता है। वर्तमान समय में आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के अंदर टाइल्स लगाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, पेंटिंग की गई है और समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं जो कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो हैं वह मिल के चंदा इकट्ठा करके करवाते हैं। सामने तुलसी चौरा है और ये छोटा सा रूम आगे जो देख पा रहे हैं उसी में यहाँ के जो गोपाल जी दास जी हैं वह निवास करते हैं। जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, कहा गया है कि आने वाले समय में इसमें यहाँ पे वृद्धा आश्रम खुलेगा, गुरुकुल खुलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानकारियाँ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे आप जो राइट साइड में देख पा रहे हैं शौचालय का प्रबंध है और शौचालय इतना साफ सफाई में है कि कोई भी आएगा तो इसमें
एक भी कमियां निकाल नहीं पाएगा। पीछे अभी इस वक्त हम लोग मंदिर के पिछले वाले हिस्से में हैं। यहाँ से मंदिर का जो गुंबद है काफी आकर्षक दिखता है। आने वाले समय में यहाँ पे विवाह भवन भी बनने जा रहा है, जो स्थानीय लोग होंगे यहाँ पे अपने बच्चों का जो है विवाह संपन्न करवा पाएंगे। साथ ही गुरुकुल का भी बनने का प्रोसेस जारी है। जो परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। साथ ही वृद्धा आश्रम का भी आयोजन है। जो लोग अपने माता पिता का बोझ समझकर उनका देखभाल नहीं कर पाते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनके माता पिता यहाँ पे रहेंगे और उनकी यहाँ के संचालक के द्वारा, समिति के द्वारा सेवा की जाएगी। सामने जो आप बरामदा देख पा रहे हैं, यहीं पे जो है समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और आने वाले 2-3 दिन में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ पे जो आप आंगन के प्रांगण में पूरा ढलैया देख पा रहे हैं, एक समय था कि यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में चारों तरफ ढलैया कर दिया गया है, जो देखते ही काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया में आने का अनुभव प्राप्त होगा, सुकून सी महसूस होगी। इस वक्त हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं। सामने आप देख पा रहे हैं एक पोखर है, पोखर के ठीक सामने मिडिल स्कूल सुम्हा ढेवड़ी है, जहाँ से हमने भी पढ़ाई करी है। ये है मिडिल स्कूल सुम्हा ढेवड़ी। और ज़्यादा हम क्या ही बताएं आप लोगों को, यहाँ के जो पुजारी हैं, महंत हैं, चलिए उनकी भी राय जान लेते हैं, गोपाल जी दास की। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधारा श्री हरि भगवान की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, शैल प्रभुपाद की जय, वंशावलीनाथ की जय। तो हम राधारास बिहारी मंदिर में हैं। ये श्री राधारास बिहारी मंदिर हरे कृष्णा धाम सुम्भा ढेवड़ी, जो ये बहुत ही पुराना मंदिर है, जो लगभग 200 बरस से इस गांव में है। और हमारे गांव के जो जमींदार थे परम पूजनीय गजेंद्र प्रसाद सिंह जी, उनके माध्यम से ये मंदिर बना हुआ था। और विगत यहाँ पे कई वर्ष से सेवा हो रही थी, मेरे बीच में कुछ कारणवश यहाँ पे सेवा बंद हो गया था, तो भगवान की असीम कृपा से, प्रभुपाद की असीम कृपा से हम सब भक्त को मौका मिला। 2009 में हमने सेवा शुरू किया और 2009 में जब हम सेवा शुरू किया था तो ये मंदिर का पूरा जो है काम पूरा गड़बड़ था। मतलब ये मंदिर में सब टूटा फूटा था और बहुत खद्दा था, तो हमारे ग्रामवासी और भक्त लोग ने मिल के बहुत ही तपस्या किया, साधना किया और ये मंदिर का जीवन उद्धार हुआ। 2009 से अभी तक ये चल रहा है, इसमें आंगन में ढलाई हुआ, मंच बना, बाथरूम बना और आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे आश्रम बनेगा, जो गरीब लोग गुरुकुल्स बनेगा, जो बच्चे लोग के लिए आश्रम बनेगा, जिसमें हम चाहेंगे कि यहाँ जितने भी मजदूर लोग हैं, जिसको कोई रोजगार ना मिलेगा तो हम उसका सेवा करेंगे, फ्री सेवा। और बच्चे लोग के लिए गुरुकुल का भी प्लान है। और ये कृष्ण भावना भावी संघ है, अगर हम लोग कृष्ण भावना भावी संघ से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा और भगवान का कृपा मिलेगा। 2009 में हम लोग यहाँ सेवा शुरू किए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे पहला मंगल आरती होती है, जो भी मिथिला बिहार में कहीं भी ये दुर्लभ है, तो प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद जी की असीम कृपा से यहाँ पे सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है और 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक यहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम चलता है। मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, गुरु पूजा, भगवत गीता पे क्लास और शिव जी की आरती। और ये मंदिर सुबह 4 बजे से लेके 1 बजे दिन तक खुली रहती है और शाम को 4 से 8 बजे तक।
तो ये दिव्य दर्शन है। इतना सुंदर ड्रेसिंग होता है, इतना सुंदर श्रृंगार होता है, जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर पूरे वर्ल्ड में श्रृंगार होता है। यहाँ विधि विधान से यहाँ सेवा चलता है और हमारे ग्रामवासी बहुत सारे भक्त जो है उनका हेल्प मिलता है। ये प्रभुपाद जी का सीम कृपा है कि हर साल यहाँ जन्माष्टमी सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है और 50 गांव के लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। अभी विगत हम लोग जन्माष्टमी मनाए थे तो कम से कम 5,000 लोग आते थे कथा सुनने, दर्शन करने के लिए, और भगवान का सुंदर प्रसाद भी वितरण होता था। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि राधा रास बिहारी मंदिर पे दर्शन करने आइए, परिक्रमा करने आइए, भक्तों का संग लेने आइए। ये रोज 4:30 बजे से लेके सुबह 4:30 से लेके 7 बजे तक प्रोग्राम होता है और शाम को 4 से 8 बजे तक प्रोग्राम होता है। आप आइए, संपर्क कीजिए, मिलिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम आपको बताएंगे और मेरा नंबर भी है, आपको मिल जाएगा। और सुम्भार टेम्पल में आइए। हरे कृष्णा हरे बोल। अब आपसे विदा लेने की बारी आ चुकी है। आपकी इस वीडियो के प्रति क्या राय है कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं और YouTube Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करते हुए अवश्य जाइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।